बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं बी लव डेथ से रिलेटेड। फाइनली इससे पहले जो सिंपली यहाँ पर जो वर्ड गैस का और ये ट्रैवल चैलेंज का जो ऑप्शन था ना, तो ये मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर अपने व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता देता था कि आज का वर्ड गैस क्या है और आज का ट्रैवल चैलेंज क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने प्लान चेंज कर दिया है। पहले ये सारे के सारे अकाउंट्स के ऊपर सेम टू सेम होता था, लेकिन अब हर अकाउंट के ऊपर ये डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और हर अकाउंट का डिफरेंट है। इस वजह से मैं आपको व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो इसका एक सलूशन आप लोगों को बताने वालों के किस तरीके से आपने इसको सॉल्व आउट करना है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वाच कीजिएगा ताकि तमाम चीज़ों को आप आसानी समझ सके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डेली बेसिस के ऊपर ये वर्ड गैस और ट्रैवल चैलेंज आता है, इसका आपके एयरड्रॉप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये आप कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज होगा, और अगर आप इसको मिस कर देते हैं, नहीं भी करते और आपका ये गलत भी हो जाता है, तो इससे आपके एयरड्रॉप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एयरड्रॉप आपको सिंपली आपके प्रॉफिट पर आवर और आपके लेवल की बेस के ऊपर ही मिलने वाला है। इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल को पर ये इसकी कोई डिटेल्स शेयर करी है, और यहाँ पर इनको आपको बताया कि इनका नेक्स्ट कैप प्लान है 28 अक्टूबर को एक्सचेंज लिस्टिंग की ये अनाउंसमेंट करने वाला है। 29 अक्टूबर को पॉइंट्स शेयरिंग लाइव हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हमारे लोगों के ये पॉइंट्स अर्न हुए हैं इनको हम दूसरे अकाउंट्स को ऊपर शेयर कर सकेंगे। 30 अक्टूबर को एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा। 10 नवंबर को इको सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। 14 नवंबर को व्हाइट पेपर रिलीज करेंगे। 15 नवंबर को एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और 30 नवंबर को जिन एक्सचेंजेस को ऊपर ये लिस्ट होगा 30 नवंबर को वहाँ पर ट्रेडिंग लाइव कर दी जाएगी। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियली जो है सिंपली जो अपडेट थी उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड करी है। बाकी अभी हम वेट कर लेते हैं आगे जाकर ये प्रोजेक्ट जो वो किस तरीके का निकलने वाला है, प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये कि हम लोगों ने अपनी तमाम चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है, प्रॉफिट पर आवर अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करते रहे। मेरा देख लेंगे, मेरा 15 मिलियन यहाँ पर प्रॉफिट पर आवर हो चुका है। बहरहाल अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और यहाँ पर समझते हैं कि डेली का जो वर्ल्ड गैस है और ये जो डेली का ट्रैवल चैलेंज है इसको हमने किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो इसकी एक सिचुएशन तो इन्होंने ये बताई कि जैसे यहाँ पर वर्ड गैस या ट्रैवल चैलेंज अगर हम कंप्लीट करते हैं तो इनका ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर इन्होंने हमें दो वीडियोस प्रोवाइड करी है। एक ये कि वर्ड गैस से रिलेटेड प्रोवाइड करी है, 8 मिनट 53 सेकंड की वीडियो है, और एक ये ट्रैवल चैलेंज से इन लोगों ने अपलोड करी है जो 22 मिनट 41 सेकंड की है। तो यहाँ पर आकर सिंपली जब हम ये टास्क कंप्लीट करते हैं तो एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर आकर हम लोगों ने वीडियोज़ को वॉच करना है। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट की सूरत में बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसको अगर हम वॉच करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। बैठ के आपको ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा और अपने क्वेश्चन को यहाँ पर तलाश करना पड़ेगा। तो अभी इसका एक सलूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। सलूशन से अगर आप कर लेंगे, आपका अगर हो जाता है तो आपका प्रॉफिट पर आवर मिल जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो सलूशन क्या है, सबसे पहले तो आप आएंगे वर्ड गैस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 लेटर का मुझे एक वर्ड यहाँ पर गैस करना है। ठीक है, अब किस तरीके से गैस करेंगे, हो सकता है आपके पास यहाँ पर 4 लेटर का गैस करने का बोले, 6 का बोले 7 का बोले, जितने का भी बोले आपके पास यहाँ पर बॉक्सेस शो हो जाएंगे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, यहाँ पर वावल वर्ड्स को पहले ऐड करना है। ठीक है, मैं पहले वावल वर्ड्स को ऐड कर लेता हूँ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर आपने चेक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे चेक पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर सिंपली ये मेरा ऑरेंज हो चुका है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो वर्ड भी हम लोगों ने गैस करना है, जो करेक्ट वर्ड होगा उसके अंदर यू का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स जो है वो आपका ग्रीन कलर का हो जाता है तो ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये वर्ड जो इसमें यूज भी किया जाएगा और अपनी सही जगह पर भी मौजूद नहीं है। अगर ऑरेंज हो जाता है तो ऑरेंज का मतलब ये है कि ये वर्ड यूज तो किया जाएगा लेकिन ये सही जगह पर मौजूद नहीं हो सकते, ये यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आए। तो ये आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। फर्स्ट स्टेप करने के बाद अब आपके पास यहां पर ये हिंट का ऑप्शन जो ये हाईलाइट हो जाता है, आपने हिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक छोटा सा ऐड दिखाया जाएगा, उसके बाद यहां पर ये हिंट आपको मिल जाएगी कि यहां पर जो भी वर्ड आपने गैस करना है वो इस हिंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। अब सिंपली आपके पास यहाँ पर जो भी हिंट यहाँ पर दिखाई दे तो आपने उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ड जो वो सजेस्ट करना, और इसमें आपने ये आइडिया लगाना है कि यहाँ पर जो भी आपका ग्रीन वगैरह हुआ हो तो वो वर्ड भी यहाँ पर आना चाहिए, और जितने बॉक्सेस आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हो तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो इतने जो सिंपली लेटर के ऊपर मुश्तमिल होगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब सिंपली आपने जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए थे इनके नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर अंदाजे से अपने यहाँ पर ऐड करना है। तो ये मैंने नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ किए लेकिन इनमें से ये बता रहे कि कोई भी वर्ड यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे गलत है। तो अब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, आपने आ जाना है अपने चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, चैट जीपीटी का अकाउंट आपका बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर सिंपल अपना ईमेल जीमेल वगैरह देने के बाद अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास हिंट्स आई है इस हिंट से रिलेटेड यहाँ पर नीचे जो हमारे पास क्या वर्ड आना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी के ऊपर ये वाली हिंट्स लिखेंगे। तो चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पर ये बोला आप यहाँ पर उर्दू में भी इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने इसको ये बोला
था इसको पहले, यहाँ पर मैंने हिंट्स बताई, यहाँ पर जो यहाँ पर हमें जो हिंट शो हो गई है, और यहाँ पर नीचे मैंने बोला कि भाई इससे रिलेटेड कोई 5 लेटर्स का वर्ड गेस करो जिसमें यू भी यूज हो। यू मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर सिंपली हमें 5 लेटर का वर्ड जो वो गेस करना है, और इसमें हमें पता चल गया कि यू का भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये किया तो चैट जीपीटी ने 1 लेटर मुझे यहाँ पर बताया स्टूपा। ठीक है, स्टूपा से रिलेटेड मैंने इसको ये आगे और बताया कि भाई वो और सही से देखो, तो एक तो इसने स्टूपा बताया और दूसरा बताया इसने शूरा। ठीक है, SHURA। तो अब सिंपली यहाँ पर आकर हम चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SHURA। ये करने के बाद चेक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर सिंपली एस भी बिल्कुल सही जगह पर आया है, यू भी बिल्कुल सही जगह पर आया है, ए भी बिल्कुल सही जगह पर आया है। तो इससे पहले जो इसने हम लोगों को ये वर्ड दिया था मिसाल के तौर पर STUPA, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ऐड करके देखते हैं, तो STUPA। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यूँ चेक करते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वर्ड बिल्कुल सही जगह पर और बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया गया। चेक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चेक करें कि मेरा यहाँ पर 10,000 PPH मुझे मिल चुका है। तो सिंपली यहाँ पर बस क्लेम के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है, तो ये हमारा सिंपली वर्ड गैस जो सॉल्व हो चुका है। अब इसी प्रोसेस से यहाँ पर आ जाना है हमने ट्रैवल चैलेंज के ऊपर। जैसे ट्रैवल चैलेंज के ऊपर आएंगे यहाँ पर ही हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, और सिंपली ये क्वेश्चन इस तरीके के यहाँ पर होते हैं कि आपको इनका आंसर तो वैसे ही मालूम होना चाहिए। इतने अरसे से आप मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं तो आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, तो आपको ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनके यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर जो आंसर दिए होते हैं इन्होंने, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अगर नहीं भी पता तो इसका भी सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि भाई HODL का क्रिप्टो के अंदर क्या मुराद है, मतलब इससे क्या मतलब है क्रिप्टो का। नीचे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए, तो वैसे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर पता होना चाहिए कि होडल का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है लॉन्ग होल्ड लॉन्ग टर्म्स, ठीक है, ये मतलब होता है। लेकिन अगर आपको ना पता हो तो आपने यही क्वेश्चन और सिंपली ये जो नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों के चारों ऑप्शन को सिंपली यहाँ पर चैट जीपीटी में आकर आपने ऐड करना है, क्वेश्चन लिखना है, 4 ऑप्शन नीचे लिखना है, और नीचे इसको बोलना है कि भाई इन क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर दो। ठीक है, तो सिंपली ये आप इसको सेंड करेंगे, अब इसमें से ये आपको बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर ये चेक करें, यहाँ पर ये बोल रहा है कि होल्ड इज होल्ड लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आएंगे हम, और यहाँ पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये चेक करें कि मेरा यहाँ पर भी सिंपली ये क्लेम हो चुका है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, आप इसी तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर सिंपली कोई क्वेश्चन वगैरह गलत हो जाता है, वर्ड गैस गलत हो जाता है, तो आपके पास दोबारा ट्राई होती है, सिंपली आप दोबारा अपने यहाँ पर आकर जो चेक कर सकते हो। और अगर गलत हो जाए, गलत होने के बाद आपको 24 घंटे के बाद दोबारा यहाँ पर सिंपली ऑप्शन मिल जाता है, आप फिर कर लीजिएगा। और अगर गलत हो जाता है इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको जो प्रॉफिट पर आवर आपको जो मिलना था वो आपका सिंपली नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप ट्राई करके यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर अपना 20,000 प्रॉफिट पर आवर इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, और ये आपकी अचीवमेंट में भी इंक्रीज होगा कि आपने एप्लीकेशन के ऊपर इतना आकर वर्क किया और इस तरीके से आपने यहाँ पर आंसर वगैरह करेक्ट दिए। बाकी इंशाल्लाह तो जो भी इसकी नेक्स्ट अपडेट आएंगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर टाइम टू टाइम आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट से आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।